सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी पुस्तक से एक नया पाठ लेकर आई हूँ। पाठ का नाम है धैर्य का पाठ। यह एक जातक कथा है। जातक कथा के बारे में यह कहा गया है कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नीतिपरक कथाओं को जातक कथा के रूप में जाना जाता है। छात्र छात्री सकल, আজি আমি ভাবিব পাঠটোৰ নাম হ'ল ধৈৰ্য্য কা পাঠ, আৰু ই হৈছে এটা জাতক কথা। আৰু জাতক কথা হৈছে গৌতম বুদ্ধৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত কিছুমান নীতিমূলক কাহিনী, যিবোৰ গৌতম বুদ্ধই নিজেই কোৱা বুলি তাৰমানে ধৰা জনাজাত আছে। আহকচোন আমি এতিয়া জানো গৌতম বুদ্ধৰ বিষয়ে। গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধৰ্ম কে প্ৰৱৰ্তক থে। উনকা জন্ম ঈসা পূৰ্ব 563 में बैसाख पूर्णिमा की तिथि में कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ था। बाल्यकाल में उनका नाम सिद्धार्थ था। वे एक राजकुमार थे, लेकिन उन्हें राजमहल की आरामदायक जीवन रास नहीं आया और मन की शांति के लिए वन में चले गए। कई वर्षों तक इधर उधर भटकने के बाद पूर्णिमा तिथि को उन्हें बोध प्राप्त हुआ। तब से उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 563 খ্ৰীষ্টপূৰ্বত বহাগ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিত কপিলাবস্তু নামৰ এখন ঠাইত, আৰু বৰ্তমান এই ঠাইখন নেপাল দেশত অৱস্থিত। আৰু তেওঁৰ বাল্যকালৰ নাম আছিল সিদ্ধাৰ্থ। পূৰ্ণিমা তিথিতেই তেওঁ জ্ঞান লাভ কৰিছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ গৌতম বুদ্ধ নামেৰে জনাজাত হয়। এতিয়া আহাচোন আমি পাঠটো পঢ়ো, তোমালোকে মন দি শুনি যাবা। পুৰণি জমানে কি বাত হে, গৌতম বুদ্ধ এক গাঁও চে দূসৰে গাঁও পেডল যা ৰহে থে। সাথ মে উনকে শিষ্য ভি থে। উস দিন বহুত গৰমী থি। ক্ষণ ভৰ বিশ্ৰাম কে লিয়ে ৱে এক वृक्ष के नीचे ट्रेन पर बैठ गए। उन्होंने एक शिष्य से कहा कि बहुत प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा जल ले आओ। शिष्य ने आसपास देखा, वहां एक छोटा सा पोखर था। पोखर में एक बैल जल पी रहा था। शिष्य वहीं से जल लेने के लिए आगे बढ़ा। उसे देखकर बैल डर गया और जल से होता हुआ निकल भागा। इससे जल गंदा हो गया। शिष्य ने सोचा, गंदा जल गुरु के लिए ले जाना ठीक नहीं होगा। वह फिर आगे बढ़ा, चारों तरफ देखा, पर उसे जल का दूसरा स्रोत दिखाई नहीं दिया। वह थक गया। वापस आकर उसने सारी घटना बुद्ध को सुनाई। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुनः तुम उसी पोखर के पास जाओ। अगर इस बार भी जल गंदा हो तो कुछ समय रुक जाना, पर जल लेकर ही लौटना। बुद्ध की आज्ञा मानकर शिष्य वहां पुनः गया। इस बार उसने देखा कि जल निर्मल है, गंदगी नीचे बैठ गई है। शिष्य अब पात्र में जल भरकर बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने उसे पास बुलाकर कहा, इस छोटी सी बात को तुम सदा याद रखना, इससे तुम्हें धैर्य का पाठ मिलेगा। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो उसे थोड़ा समय देना, मन की मलिनता और अशांति बैठ जाएगी, मन अपने आप शांत हो जाएगा। बुद्ध की अनमोल बातें सुनकर शिष्य का चित्त प्रसन्न हो गया। बच्चों, आज हमने धैर्य का पाठ नामक एक जातक कथा का पठन किया। इस पाठ में हमें धैर्य का महत्व के बारे में बताया गया है। तो आप लोग भी इस पाठ को घर में सही उच्चारण के साथ पढ़ने की कोशिश करना। छात्र छात्रीसकल, गौतम बुद्ध जीवन पर आधारित एनेकुआ प्राय 600 जातक कथा आछे। তোমালোকে এই জাতক কথাবোৰ সংগ্ৰহ কৰিবা আৰু পঢ়িবা। এই জাতক কথাবিলাকৰ পৰা আমি বহুতো প্ৰেৰণা পাওঁ, যিটো আমি আমাৰ জীৱনত
ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই সফল হ'ব পাৰোঁ। তোমালোকে এই জাতক কথাবোৰ সংগ্ৰহ কৰি পঢ়িবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।